हेलो एवरीवन, तो कैसे आप सभी? आई होप आप सभी स्टूडेंट ठीक होंगे। तो मैं विवेक आपका फिर से स्वागत करता हूं आपके ने परिभा कॉलेज अपडेट्स में। तो देखिए, आज की वीडियो होने वाली है, क्या सोल की मार्कशीट पे स्टैम्प लगवाना ज़रूरी है या नहीं है, इसी को लेकर काफ़ी स्टूडेंट के मैसेज आ रहे थे, क्योंकि उनके जो भाई हैं, जो उनके रिलेटिव्स हैं, वो पहले सोल से ग्रेजुएट हो चुके हैं और उनको ये बोला गया है कि सोल में अगर आपको मार्कशीट जब मिलती है फाइनल ईयर की, जब आप डाउनलोड कर लेते हो, तो उस पर स्टैम्प लगवानी पड़ती है, नहीं लगवानी पड़ती, इसी को लेकर आज की वीडियो होनी है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और मैं टेलीग्राम चैनल भी जरूर ज्वाइन कर, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूंगा। तो देखिए, सोल में 2019 से पहले एनुअल मोड लागू था। जब सोल में जब कोई भी स्टूडेंट ग्रेजुएट होता था, तो जब उसकी फाइनल मार्कशीट आती थी, तो उसमें सोल ने ऐसा बोल रखा था कि आपको इसको वेरीफाई कराना होगा। वेरीफाई कैसे होगी? वेरीफाई होगी कि आपको सोल जाना होगा, सोल जाकर वहाँ पे विंडोज़ बनी हुई है, बीए प्रोग्राम की, बीकॉम की अलग, बीए ऑनर्स की अलग, उस विंडो पे जाके आपको अपनी मार्कशीट देनी होती थी। वहाँ अंदर जो ऑफिसर बैठे हुए हैं, जिनकी ड्यूटी लगी हुई है, वो उस मार्कशीट को लेंगे, उसमें चेक करेंगे कि क्या किसी में बैग तो नहीं है। बैग नहीं होने के बाद फिर उसको वेरीफाई करेंगे। वेरीफाई कैसे करेंगे? पहली स्टैम्प लगेगी सोल की, दूसरा सिग्नेचर लगेगा। ये दो चीज़ होने के बाद वो मार्कशीट वेरीफाई हो जाती है। बट 2019 के बाद हुआ ये कि दिल्ली विश्वविद्यालय के अंदर CBCS मोड लागू हुआ, जिससे हुआ ये कि इसके अंदर डिजिटली वेरीफाई वाला सिस्टम आ गया। मतलब कि अब क्या होता है, अब आप घर बैठे बैठे ही अपनी जो मार्कशीट है उसको वेरीफाई कर सकते हो। सिंपल है, जैसे कि ये मार्कशीट वेरीफाई हो चुकी है, जैसे टिक आ चुका है, यानी ये वेरीफाई हो चुकी है, ठीक है। तो वेरीफाई आसान तरीके से कर सकते हो। जब आप रिजल्ट अपना चेक करते हो, आपके कॉर्नर पे जाके क्लिक करना है, अपना ईमेल और रजिस्टर मोबाइल नंबर डालना है, देन उसके बाद वेरीफाई होकर आप डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। तो ऐसे वेरीफाई ये अब हो रही है। क्या इसके बाद भी क्या इस पर स्टैम्प और सिग्नेचर लगाना ज़रूरी है या नहीं? देखिए, मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, अभी हाल फिलहाल में कुछ चीज़ें चेंज ऐसी हुई है कि आप आधार कार्ड को देखिए, जो ऑनलाइन आधार कार्ड निकलता है वो भी डिजिटली वेरीफाई होता है। कई ऐसे सर्टिफिकेट है वो डिजिटली वेरीफाई किए जाते हैं, यानी कि वो डिजिटली सिग्नेचर कर दिया गया दिल्ली विश्वविद्यालय की तरफ से, ये वेरीफाइड है, यानी ये ऑथेंटिक है, ये फेक नहीं है। अब क्या सोल की तरफ से भी इसको वेरीफाई करवाना चाहिए नहीं करवाना चाहिए? पहली चीज़, अगर आप डिजिटली वेरीफाई करवाते हो, और अगर आप जैसे मान लीजिए किसी कंपनी के लिए अप्लाई कर रहे हो जॉब के लिए, या किसी गवर्नमेंट कॉलेज में अप्लाई कर रहे हो, अगर वो आपसे डिमांड करते हैं कि इस मार्कशीट को आप वेरीफाई करवा के लाओ सोल से, कॉलेज से अपने, ना कि DU से, तो आप फिर उस पर स्टैम्प लगवा सकते हो। और अगर ज़्यादातर मामलों में देखा गया कि डिजिटली वेरीफाई मार्कशीट हो, डॉक्यूमेंट हो, वो पूरी तरीके से वैलिड माने जाते हैं। तो मैं यही कहूँगा कि जो भी ऐसे स्टूडेंट जिनके पास ये मार्कशीट है, जो डिजिटली वेरीफाई आपने कर ली है, अगर आप चाहो तो सोल जाके इसको वेरीफाई करवा सकते हो, स्टैम्प लगवा सकते हो। ये ऑप्शनल, मैं कहूँगा इसको ऑप्शनल में डाल देते हैं, क्योंकि ये ऑप्शनल है, क्योंकि पहले ही डिजिटली वेरीफाई ये हो चुकी है, यानी कि अब इससे एक्स्ट्रा कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बट किसी किसी केस में देखा गया है, किसी किसी इंस्टीट्यूट के माध्यम से, कि वो वेरीफाइड मांगते हैं, इसको वेरीफाई करवा के लाओ, वो तो घुमाने वाली बात हो गई। कहते हैं ना, विधायक के सिग्नेचर लेके आओ, पता सबको है कागज़ वही है, बट विधायक जब तक नहीं लिखेगा तब तक नहीं माना जाएगा, है ना। वो अलग बात है कि हमारे चाचा विधायक है, वो तो आपने डायलॉग सुना ही होगा। तो मैं आप सभी से ये कहूँगा कि ये ऑप्शनल है, आप चाहो तो स्टैम्प लगवा सकते हो, नहीं चाहो तो भी ये मार्कशीट पूरी तरीके से काम करेगी। अगर किसी जगह काम नहीं करती तो फिर आप स्टैम्प लगवा सकते हो, वो आपका मन है। अगर टाइम निकाल के चले जाना, स्टैम्प लगा देंगे, और अगर नहीं है टाइम तो भी ये मार्कशीट पूरी तरीके से वैलिड है। वैलिड तब तक है जब तक आप इसमें किसी में आपकी बैक नहीं आएगी, तो ठीक है। तो बाकी डिजिटली वेरीफाई कर लेना, उसके बाद तो मार्कशीट पूरी तरीके से काम करेगी हर जगह। इसी को लेकर काफ़ी स्टूडेंट के डाउट है, जो कि मैंने क्लियर कर दिए। बाकी वीडियो कैसे लगी, वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। थैंक यू।